ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम में। आज हम जो वाणी हम कल अध्ययन कर रहे थे उसी वाणी को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बताएंगे अपने पुरुषार्थ की कुछ बातें। कल के दिन में कितनी चढ़ती कला आपने प्राप्त की। बाबा ने कहा एक भी दिन एक भी घड़ी रुकती कला की नहीं होनी चाहिए, चढ़ती कला रहनी चाहिए निरंतर। तो अभी आप महसूस करें और बताएं पुरुषार्थ का एनर्जी लेवल कैसा है आपका। एक्सट्रीमली हाई, वेरी हाई, हाई, नॉर्मल, लो। एक्सट्रीमली हाई, हाई, वेरी हाई, हाई, नॉर्मल, लो। जिस प्रकार से बिना ईंधन के कोई भी रॉकेट इस धरती के आकर्षण को पार नहीं कर सकता, पावरफुल ईंधन चाहिए उसको और पावरफुल इंजन चाहिए। पावरफुल ईंधन, पावरफुल इंजन, तब वो इतने फोर्स के साथ ऊपर जाता है। और जब वो धरती के आकर्षण से बाहर चला जाता है, धरती के आकर्षण से बाहर चला जाता है, उसके बाद उसे फिर धरती की आवश्यकता नहीं रहती। फिर वो धरती की सेवा करता है। फिर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा लेता है सूर्य से। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना लेते हैं, हिम्मत करके दुनिया के कर्म बंधनों को काट लेते हैं और इस धरती के आकर्षणों से ऊपर उठ जाते हैं, फिर हम इस धरती की सेवा करने के लायक हो जाते हैं। तो इसलिए अब हमें उसके बाद फिर उन्हें ऊर्जा केवल ज्ञान सूर्य, एक बाप दूसरा न कोई, फिर धरती की कोई बातें उन्हें प्रभावित नहीं करती हैं, चाहे कुछ भी होता रहे। दूसरा उत्तर देंगे, एक शब्द में देना है, बस लंबा चौड़ा कुछ नहीं। इस धरती की बातें, लोग, भावनाएं, धरती के प्रभाव और दूसरी चीजें मन को
आकर्षित और प्रभावित करती हैं या नहीं। थोड़ा भी करती हैं तो यस लिखना है, क्योंकि हमें 100% का लक्ष्य रखना है, 80-90 का नहीं। दो नंबर डालकर लिखें, प्रभावित करती हैं या नहीं, यस और नो। सच्चाई से चेक करना है, कोई बहुत मोटी मोटी चेकिंग करते हैं। अभी अगर हम पूछेंगे क्या इन प्रभावों से मुक्त होना चाहते हो, तो सभी बोलेंगे यस। चलिए, बाबा ने उसका तरीका बताया है, देखिए उसका तरीका क्या है। इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। उसका तरीका ये है, ध्यान से देखिए। ये है उसका तरीका। जो मस्तक के सिंहासन पर दृढ़ता के साथ अचल अडोल होकर बैठना सीख जाते हैं, जो सर्वशक्तिवान की संतान में स्वमान में टिक जाते हैं, थोड़े अभ्यास के बाद उन्हें बातें, लोग, चीजें, देह देह की व्याधियां कुछ भी प्रभावित करना बंद कर देते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, ये बहुत जरूरी अभ्यास है। 5 मिनट स्थित हो जाएं, ये अभ्यास तुम्हें अव्यक्त बनने में मदद करेगा। जो मस्तक में ही नहीं टिक सके तो वो धरती से पार कैसे जा पाएंगे। चैट छोड़ दीजिए। मस्तक में स्थिर हो जाइए। चाहे सुनामी आई हो तुम्हारे जीवन में, चाहे भूकंप आ रहे हो तुम्हारे रिश्तों में, चाहे आग लगी हो चारों तरफ संसार में, चाहे दुखों के विलाप हो रहे हों तुम्हारे इर्द गिर्द,
हे सम्राट, यदि सेवा करना चाहते हो, विजयी बनना चाहते हो, आने वाली राजधानी में कुछ बनना चाहते हो, तो हे सम्राट, अपना सिंहासन लो, टिक जाओ, टिक जाओ। रिंचक भी हिले तो भविष्य की राजगद्दी छिन जाएगी, क्योंकि मस्तक में बैठने वालों की भी कमी नहीं। तुम्हारी रिंचक सी गलती, तुम्हारी रिंचक सी कमी तुम्हारा नंबर पीछे कर सकती है। विचार कर लो। जब राजधानी की मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हो। जिसकी स्थिति उसकी सीट, सेट हो जाओ। 3 मिनट हैं तुम्हारे पास। रिंचक भी हिले तो हार हो जाएगी। जीतने के संकल्प से बैठो।
ओम शांति। स्थित होकर बैठना बहुत जरूरी है। अभी चेक करो अपनी स्थिति, स्थित हुए या विचलित हुए। इस प्रकार से बैठना बहुत जरूरी है। दृढ़ता के साथ ही मिलेगा साम्राज्य। जो भी कारण विचलित करते हैं, उन कारणों को साइड रख दीजिए। हमारा मन कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करता है हर घड़ी, लेकिन मन को बुद्धि बताती है, मन को बुद्धि बताती है कि कौन सा कार्य इम्पोर्टेंट है और कौन सा कार्य दो नंबर है। वन नंबर क्या है, दो नंबर क्या है, तीन नंबर क्या है, चार नंबर क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है, ये बुद्धि बताती है। लेकिन जिनकी बुद्धि विचलित होती है, वो मन को भी विचलित कर देती है। बेमतलब के कार्यों में, व्यर्थ के बातों में घुमाने ले जाती है। मेन हाईवे छोड़कर और गलियों में घुसा देती है गाड़ी को। वक्त भी ज्यादा लगता है, दुविधा भी होती है। बस एक संकल्प दे दो अपने आप को कि मुझे मेरे जीवन में नंबर वन कार्य, एक ही संकल्प काम करेगा, मेरे जीवन में नंबर वन कार्य है मस्तक में निश्चय के साथ टिकना। ये जो लिख रहे हैं विचलित हुए, ये सब ठीक हो जाएंगे अगर टिकने को, इसलिए टीका लगाया जाता है, टिकने को नंबर वन सबसे जरूरी कार्य है। तुम्हारे रिश्ते संबंधी, दुनियादारी, लाभ हानि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मस्तक में बैठना। इस दुनिया का धन कमाने वाले सत्युग में राजा नहीं बनेंगे और बाकी कार्य करने वाले भी, चाहे सेवाएं कितनी भी करते होंगे, भाग दौड़ कितनी भी करते होंगे, लेकिन यदि मस्तक में नहीं टिके, भले दिन रात सेवा कर रहे हैं लेकिन मस्तक में नहीं टिके, तो आप मुझे बता दीजिए नंबर तीन लिख करके, क्या वो आने वाली राजधानी में राज्य पद पा सकेंगे जिन्होंने सेवाएं बहुत की हैं। चौथा सब्जेक्ट है सेवा का, फिजिकल एजुकेशन की तरह। क्या वो राजधानी में ऊंचा पद पाएंगे, आप अपने समझ से बताइए। समझ में आई बात? जब ये समझ में आ रहा है कि चाहे कुछ भी कर लो आप,
सीक्रेट बता रहे हैं आपको हम, ज्ञान के सीक्रेट को एक नए तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है ये, नंबर वन कार्य की तरफ भागता है मन, जिसको हमने प्रायोरिटी दी होगी। किसी ने बच्चों को प्रायोरिटी दी हुई है, सारा दिन बच्चों की चिंता करता है। किसी ने बिजनेस को प्रायोरिटी दी हुई है, सारा दिन बिजनेस करता है मन, योग में भी बिजनेस करता है। आपने किसको प्रायोरिटी दी है ये डिपेंड करता है। आज अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दीजिए। आज सभी अपने आप को कह दीजिए, सिखा दीजिए, अपने मन में छाप लीजिए, गुदवा दीजिए कि अगर मैं मस्तक में नहीं बैठी तो जो लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाती हूं उसके सपने लेना बंद कर दी। अगर मस्तक में नहीं टिकती और भले चाहे लाख सेवाएं करते हो, अगर मस्तक में नहीं टिकती तो लक्ष्मी नारायण के आस पास भी आने के स्वप्न लेना बंद कर दीजिए। और अगर आस पास आना है अभी आपके पास लक्ष्य रखने का टाइम है, लेकिन फास्ट करना पड़ेगा कार्य, धीरे नहीं चल सकते अभी हम, आज ही करना है, इसी क्लास में करना है, इसी आधे घंटे में करना है जो हमारे पास है। जब राज्य पद पाने का सीक्रेट मिल रहा है एक लाइन में, और ये सीक्रेट मुझ आत्मा ने नहीं बनाया है, ये भगवान ने बताया है, स्वराज्य अधिकारी ही बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी ही बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। जो यहां बैठकर शासन चलाना सीख जाएंगे वही विश्व का शासन ले पाएंगे। अब विचार कर लीजिए, राजा बनना या प्रजा बन, एक सेकंड में जो कुछ भी बातें हैं, जो भी बातें घट रही, अब उनको नंबर दो पर कर दीजिए, नंबर तीन पर कर दीजिए, नंबर चार पर कर दीजिए, और नंबर एक पर कर दीजिए मस्तक में बैठ। कईयों को ज्ञान समझ में नहीं आता है, इस बात पर भी प्रश्न उठा रहे हैं, भगवान ने कहा है, प्रश्न उठाएंगे तो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, भगवान ने कहा है बस, उसके आगे के मार्ग भगवान दिखाएगा, सब हो जाएगा, मस्तक में टिकने से सब हो जाएगा। सत्युग के आदि में याद करो, देवी देवता क्या करते हैं,
देवी देवता केवल मस्तक मिट्टी के रहते हैं, बाकी देखिए कितना सुंदर चलता है सतयुगी संसार। 2500 वर्ष आत्मा ये मस्तक है और ये शरीर की कर्मेंद्री, आकर्षित करने वाली कर्मेंद्री, ये मस्तक, ये इधर से आकर्षण शुरू। 2500 वर्ष आत्मा यहां से यहां आकर्षण रूप में नहीं जाती है, ऐसे खिंचाव के साथ नहीं देखती है। यहां तो देखती है, यहां नहीं देखती है, खिंचाव के साथ। चमड़ी का रंग नहीं देखती है, आकर्षण के साथ। संबंधों को फील नहीं करती है, आकर्षण के साथ। सोचिए कितना टिकी रहती है यहां पर। सिर्फ यहां टिकना ही, देही अभिमानी बनना ही, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जैसे बॉडी कॉन्शियस से ही सारे विकार पैदा हो गए, सोल कॉन्शियस से सारे गुण आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। भगवान को भी रियलाइज करने का जो विधि है वो सोल कॉन्शियस ही है, बैठना पड़ेगा। आज यही अभ्यास कीजिए। नंबर वन कार्य मस्तक में बैठना है, बैठिए आज। आज विश्व का राज्य तख्त ले ही लीजिए। विचलित करने वाले आएंगे, तुम्हें कमजोर ज्ञान सुनाने वाले आएंगे, तुम्हारे लक्ष्यों पर हंसने वाले आएंगे, तुम्हें विचलित करने वाले आएंगे, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले आएंगे, तुम्हारी परीक्षा लेने वाले आएंगे, तुमसे पुराने हिसाब मांगने वाले आएंगे। ये तन भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है या लेगा? पर जो मस्तक में टिक गया समझो विश्व का तख्त मिल गया। इस महावाक्य में डाउट मत करना, जिंदगी निकल गई डाउट में, बाकी बचे पल भी बर्बाद हो जाएंगे। डाउट में नहीं जाओ, ईश्वरीय महावाक्यों पर निश्चय करो। टिक जाओ, टिक जाओ, टिक जाओ, राजा बन जाओ। आज ही बंट रही है राजगद्दी। सत्युग में तो फॉर्मेलिटी होगी, सिलेक्शन आज हो रही है। सत्युग में तो ज्वाइनिंग होगी। भगवान ने सिलेक्शन लेटर भेज दिया है तुम्हारे पास अपनी वाणी के रूप में। तुम्हें बस टिकना है, टिकना है और मन को सिखाना है, मेरी जिंदगी में अब कुछ मिले या ना मिले, कुछ ठीक होवे या ना होवे, थोड़े में गुजारा कर लूंगी, यहां गरीबी में गुजारा कर लूंगी, यहां चुप रह के काम कर लूंगी, यहां सहन कर लूंगी, लेकिन मस्तक नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे विश्व की बादशाही लेनी है। तो हे बेफिक्र बादशाह,
स्थित हो जा, मस्तक में टिक जा, हिलना नहीं है तुझे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, चारों तरफ चीख पुकार होगी, पर तुम्हारे मन में प्रभु प्रेम की जय जयकार होगी, संसार में हाहाकार हो, ठीक जाओ, ठीक जाओ, ठीक जाओ।
याद रखना, आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से इतनी लंबी जिंदगी निकल गई, कर लेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा, इन्हीं संकल्पों में झूठे धैर्य दे देकर मन को जिंदगी निकाल दी है तुमने। अब इस मन के मालिक बनो, अपना सिंहासन संभालो, फिर देखो ये मन बुद्धि किस प्रकार से तुम्हारे समक्ष तुम्हारे आज्ञाकारी कर्मचारी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें विश्व का तखत दिलाएंगे। ये यकीन करो, समय कम है, तेजी से जाना है। चैट की ओर क्यों भाग रहे तुम्हारे हाथ? चैट की ओर क्यों भाग रहे तुम्हारे हाथ? विचलित हो रहा मन तुम्हारा, 2 मिनट टिकने से नहीं मिलेगा राज्य तुम्हें। शुक्रिया कर दीजिएगा भगवान का बाद में, पहले टिक तो जाइए। माया तुमसे ज्यादा होशियार है, एक मिनट की खुशी मिलती है समा नहीं पाते हैं। ढोल बजाना शुरू कर देते हैं हम, पहले भीतर भरिए, अंदर तक कूट कूट कर भरिए। ये सिर्फ टेम्परेरी अभ्यास की खुशी है, प्रैक्टिकल में करने के लिए बहुत अंदर तक संदेश भेजना है। दिल की गहराई में जाना चाहिए संदेश। जैसे खुदाई करते 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 कुआं बन जाता है, धरती के अंदर से मीठा पानी बाहर आता है, तुम भी दिल में ड्रिल करो। देखो फिर भीतर से आनंद का मीठा पानी आएगा, अतिंद्रिय सुख का मीठा पानी आएगा। टिके रहो, 2 मिनट से अगर विश्व राज्य मिलता तो लुट गई होती सारी सीटें। बहुत काल का अभ्यास करना है, फाउंडेशन पक्की बनाओ, कर्म इंद्रियों को ठंडा करो, रोम रोम में शीतलता की करंट प्रवाहित करो। थूल कर्म इंद्रियों को भी, सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को भी आज्ञाकारी बनाओ।
ओम शांति। इस प्रकार से ज्वालामुखी स्वरूप में दृढ़ता के साथ इस सिंहासन को जकड़ लो, पकड़ लो। विजय तिलक यहीं से मिलेगा। अब सुना सकते हैं क्या अनुभव किया। क्या सीखा आज की क्लास से? एक ही लाइन सिखाई है आज, भूलना नहीं है। एक लाइन में ही विश्व राज्य तखत प्राप्त होगा। इस स्थिति में बैठकर आम चिंतन नहीं करना है। आम मनन चिंतन से इतनी पावर नहीं आती है। विशेष चिंतन करना है और बहुत कंट्रोल से, जिस प्रकार से जो अच्छे राजा होते हैं वो किस तरह से बोलते हैं, कैसे आदेश करते हैं, मंत्री जी हमारे लिए जल पेश किया जाए, मंत्री जी ये किया जाए, मंत्री जी, जिस प्रकार से वो राजा के एहसास में बोलता है, अगर तुम्हें राजा बनना है तो राजा के एहसास में आ जाएं। अगर तुम्हें नहीं है राजा का एहसास तो समझिए राज्य पद नहीं तुम्हारे आसपास। आज ये पक्का कीजिए मेरे जीवन में और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई कार्य नहीं, सबसे पहला कार्य मस्तक में टिके रहना है। अब आप फिर बताएंगे 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, विचलित होकर 1,00,000 रुपए की चिंता में फिर पुरुषार्थ किया और किसी तरह से वो प्राप्त कर लिया, या फिर मस्तक में टिके रहे और फिर पुरुषार्थ किया? तो दोनों में भले ही 1,00,000 नहीं मिला, इस बार नहीं मिला, टिकने वालों को ऐसा नहीं जिंदगी भर नहीं मिलेंगी बातें चीजें, 1,00,000 से बदले में करोड़ों की चीज मिलेगी, अरबों की मिलेगी, और ये अरबों की चीज है। यहां टिकना विश्व का राज्य दिला रहा है, यहां तो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 नुकसान हुआ, थोड़ा मान सम्मान का नुकसान हुआ, पर सोचिए सोने की दुनिया में, स्वर्ण युग में
महल मिले, सोने की ईंटें होंगी, हीरे जवाहरात जड़े होंगे, तुम राजा होंगे, खुशियां होंगी, आनंद होगा, 2500 वर्ष का राज्य, उसके बाद भी 2500 1500 वर्ष लगभग और भी अच्छा चलेगा। बताइए, विचलित होकर 1 लाख बचा भी लिया तो फायदा या मस्तक में बैठने में फायदा? आज ये पक्का कर लीजिए। इसे कहते हैं दिव्य बुद्धि, जो आमतौर पर सोई होती है और पुरानी बुद्धि कार्य करती है, मिक्सचैरिटी वाली बुद्धि कार्य करती है, जिसमें थोड़ा श्रीमत परंतु उसमें थोड़ा सा तड़का मनमत का लगा होता है, थोड़ा मसाला परमत का डला होता है और एक नया ही खिचड़ी मत तैयार होता है। श्रीमत भी है, मनमत भी है, परमत भी है। ऐसी खिचड़ी मत वालों को कैसे मिलेगा विश्व राज्य का तख्त? प्रतिज्ञा करनी होगी अपने आप से, जो जितना सच्चाई से अपने मन को ये संदेश दे देगा उतना ही आज भी लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। जब तक फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हर रोज 2-4 को पछाड़ते चलो। आपका किसी से कंपटीशन नहीं है इंडिविजुअल, आप दौड़ते चलो, अपने आप मेरिट लिस्ट में आगे आते चलोगे। बस ना एक सेकंड वेस्ट करना है, ना संकल्प वेस्ट करना है, ना श्वास वेस्ट करना है। चलो प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से, शाम को 5 से 6 बजे वाले सेशन में फाइनल डेस्टिनेशन पर उपस्थित रहें, जिसमें अव्यक्त स्थिति का आवाज से परे जाने का गहरा अभ्यास आपको याद करा दे। बाबा की वाणी, परसों बाबा ने कहा था, अव्यक्त स्थिति में रहने से संकल्पों की सिद्धि स्वतः होने लगेगी। बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, बाकी सब स्वतः होता चलेगा। इसलिए सबसे कम मेहनत प्राप्ति बहुत ज्यादा। फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन डालेंगे तो आ जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन डालने से आ जाएगा।
प्रतिज्ञा कीजिए सभी, आज यही बाबा की वाणी का जो जिष्ट था उसी का हमने आज अभ्यास किया है, वाणी ही है ये। कल सुनाएंगे वाणी शाम को 5 बजे। याद रखिए फाइनल डेस्टिनेशन नाम याद रखेंगे ना तो डालेंगे तो कहीं भी कोई वीडियो मिलेगा, और नाम डाल देंगे साथ में तो सहज मिल जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन मधुबन, फिर बीके करण डाल देंगे तो सहज मिल जाएगा। अभी हम 5-7 मिनट आपको बता रहे हैं, 18 जनवरी को हम बाबा को सौगात देंगे, उसके लिए हमारी सवेरे से रूटीन शुरू होगी। 2 बजे से ज़्यादा ट्राई कीजिए, बहुत कार्य कर लिए जिंदगी में, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। 2 से 2:30 बजे के बीच में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़िए, और सवेरे ही 3 घंटे का चार्ट हो जाएगा। मौन व्रत ज्यादा से ज्यादा रखिए, 1 या 2 दिन तो अपना अपना डिसाइड कीजिए। हर चीज हम चम्मच से डाल के मुंह में नहीं देंगे, खुद डिसाइड कीजिए। हम सिर्फ प्रोग्राम दे रहे हैं, करना आपको है, बच्चे नहीं हैं हम, अभी मैच्योर पुरुषार्थी बनना है। 1 या 2 दिन खुद अपने संकल्प से पूरे वीक में मौन व्रत रखिए, फुल मौन व्रत 1 दिन या 2 दिन, बाकी दिन फुल अंतर्मुखी अव्यक्त, चलते फिरते भी अव्यक्त। 18 जनवरी तक हम सूक्ष्म लोक में ही जिएंगे, ये नोट कर सकते हैं, 18 जनवरी तक हम सूक्ष्म लोक में ही जिएंगे, हम किसी को नहीं देखेंगे, इधर ना उधर कौन क्या कर रहा है उन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, केवल अपने जीवन से संबंधित अति आवश्यक कार्यों पर समय देंगे। उसके अलावा केवल ज्यादा से ज्यादा बाबा को अध्ययन करेंगे, मेरा बाबा क्या था, मेरा बाबा क्या है, मेरा बाबा कैसे बैठा 52 वर्षों से, मेरा बाबा कैसे संपूर्ण बना, मेरा बाबा कैसे कर्म बंधन उसने काटे, मेरे बाबा का स्वरूप क्या है, मैं बाबा के जैसी कैसे बनूं, मेरे कर्म बंधन कैसे कटे, मुझे कैसे बाबा के पास जाना है, मुझे तो अब जाना है, मुझे तो 18 जनवरी तक संपूर्ण होना है, मुझे 18 जनवरी पर अव्यक्त हो जाना है, पूरी ताकत लगा देनी है अंतर्मुखी होकर चिंतन में, तो बाबा को हम गुलदस्ता दे पाएंगे 18 जनवरी। अपने योग के घंटे बढ़ाइए, अपनी अपनी प्रॉब्लम मत सुनाइए, अपना सेटिंग खुद कीजिए। हम सभी के शेड्यूल बनाकर नहीं दे सकते हैं, अच्छे पुरुषार्थी बनी एक ही सेकंड में प्रॉब्लम लिखने लगते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अपने आप सेट कीजिए। भोजन के लिए टाइम निकालते हो, मेरे से नहीं पूछते हो, 3 टाइम निकालते हो, पानी पीने के लिए टाइम निकालते हो, फोन करने के लिए टाइम निकालते हो, वॉशरूम जाने के लिए टाइम निकालते, नहाने के लिए टाइम निकालते, कपड़े धोने के लिए टाइम निकालते, भगवान के लिए टाइम प्लानिंग हमसे क्यों चाहिए, लगन देंगे हम आपको, बस प्लान तो आपके भीतर से आना चाहिए।
हम लगन देंगे, आपको मदद करेंगे लगन देने में, वो भी अगर मन पर जंक नहीं होगी तो हम लगन देंगे, ऊर्जा प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे आपके अंदर। खुद बनाना है, खुद अंतर्मुखी होना है, कोई देहधारी चाहे वो हम है या कोई और है, कोई आपको खींच करके सूक्ष्म लोक नहीं ले जा सकता, कोई तुम्हारे कर्म बंधन नहीं कटा सकता, सबको खुद काटने हैं, मुझे खुद काटने हैं, खुद चेक करना है, खुद संकल्प रखना है, खुद काटना है। अंतर्मुखी रहेंगे तो बाबा मार्ग दिखाएगा। फिर 31 तारीख को भी हम प्रोग्राम बताएंगे, भट्टी पूरी करनी है या वो भी बता देंगे आप पूरी के लिए तैयार रहिए। 31 तारीख को नए वर्ष पर पूरी भट्टी के लिए तैयार रहिए, फिर ऑन द स्पॉट बता देंगे। फिर तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखकर बाबा की जीवनी का अध्ययन करना है। इंटरनेट से लीजिए या सेंटर से बुक्स लीजिए, इंटरनेट पर भी बुक मिल जाएंगी, आप ढूंढिए इसको, खुद सर्च कीजिए, खुद पता कीजिए, खुद कुछ हिम्मत कीजिए। अपनी हिम्मत से करेंगे तो तेज जा पाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसी तपस्या हम करें ताकि हम 18 जनवरी को बाबा को एक गुलदस्ता दे पाए, बाबा को लगे अरे ये मेरे सैंपल कहां से आ गए। बस ऐसा पुरुषार्थ करना है, और भी बताते रहेंगे बीच में प्लानिंग। आप ये मोटी प्लानिंग नोट कर लीजिए। हाँ, चित रोज बाबा को पत्र लिखना है, रोज हो तो शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर, एक डायरी अलग से लगा लीजिए, रोज पत्र लिखना है। एक लिखना है समर्पण पत्र, एक लिखना है प्रेम और प्रतिज्ञा पत्र। समर्पण पत्र lohar.com पर बुक अवेलेबल है, बहन ने लिखा है, bkdrlohar.com पर ब्रह्मा बाबा की बुक अवेलेबल है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर। ठीक है जी, थैंक यू जी, ओम शांति। आप सभी का इतनी लगन से उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। विशेष अमृत वेला में थोड़ा कम आ रहे हैं, तो 2 या 2:30 बजे तक सभी जुड़िए, 18 जनवरी तक का तो लक्ष्य रखिए, ठीक है जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। सिर्फ बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया के खोए